गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय जिनेन्द्र। वेलकम टू वर्धमान ई क्लासेस। देखिए, आज हम प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक सुभाषितानी है। सुभाषितानी का अर्थ है सु उपसर्ग है और भाषितानी शब्द से बना है। तो सु का अर्थ सुंदर है और भाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन, यानी कि मीठे वचन, जो सुंदर वचन है, जो सुनने में अच्छे लगे और जो नीतिप्रद होते हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो इस पाठ में कुछ संग्रह किया गया है, अलग अलग नीति शतक में मनुस्मृति है, शिशुपाल वध है, पंचतंत्र है, अनेक जो ग्रंथ हैं वहाँ पर कुछ श्लोक लिए गए हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जो नीतिप्रद लगते हैं। जैसे पहला श्लोक है, गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे ते निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा स्वादु तयवा पर्वन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपया। यानी कि इस श्लोक का पहले हमें अन्वय करना पड़ता है। अन्वय का मतलब होता है उस श्लोक को कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार व्यवस्थित करना। जैसे श्लोक को हमने व्यवस्थित किया है, गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति, यानी कि कर्ता कर्म और क्रिया को उसको वैसे रखना। ते निर्गुणे प्रापे दोषा भवन्ति यथा नद्य आस्वादु तया तया पर्वन्ति ता समुद्रम आसाद्य अपया भवन्ति। यानी कि यहाँ इस श्लोक में गुणों के महत्व के बारे में बताए गए हैं कि गुणों का क्या महत्व है। तो यहां बताया जा रहा है कि गुण गुणेशु गुण भवन्ति, गुण है वो गुणवान लोग ही धारण करते हैं। गुणों को गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों में ही विद्यमान रहते हैं, गुणवान व्यक्ति धारण करते हैं। ते निर्गुण अप्राप्य दोषा भवन्ति, जब इन गुणों को दुर्जन व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो वे गुण अवगुण में बदल जाते हैं। जब गुणों को दुर्जन व्यक्ति के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, प्राप्य पर प्लस आ प्लस ले पढ़ते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करके दोषा भवन्ति वे दोष में या अवगुण में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नद्या असाधु तोया पर्वन्ति, जब नदियां जल लेकर के चलती है तो वो जल पीने योग्य होता है, वो जल पीने योग्य है। और वही जल ता कौन, वे नदियों के लिए आए हैं, और ता समुद्र असाध्य अपय भवन्ति, जब वो नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है तो वो जल पीने योग्य नहीं रहता है। तो गुणों का जो महत्व है, गुण अवगुण में कब बदलते हैं, उसका उदाहरण उन्होंने नदियों के माध्यम से बताया गया है। यानी कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को ग्रहण करते हैं और वे दुर्जन व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने पर वे गुण अवगुण में या दोष में बदल जाते हैं। जब नदियां जल लेके चलती है तो वो जल पीने योग्य रहता है, मीठा होता है, और वही जल जब नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है तो वो जल पीने योग्य नहीं रहता है। अब इसका हमें प्रसंग लिखना होता है, तो ये सबसे पहले श्लोक, श्लोक ने आपने लिख दिया गुणा, और फिर हम यहां जो पीछे हैं अपया भवन्ति तक, ये श्लोक का संकेत के रूप लिख लेंगे, फिर उसका लिखेंगे अन्वे। अन्वे हर एक श्लोक का अन्वे है, मैं आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। और अन्वे लिखने के बाद में प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग में क्या होता है कि प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सुभाषितम शीर्षक से पाठ है, वो पाठ कौन सा है, प्रथम से उद्धृत लिया गया है। अब इस पाठ में है क्या, इस पाठ में गुणों के महत्व के बारे में बताया है। हर श्लोक का अलग अलग उसका प्रसंग बनता रहेगा और उसके बाद में आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है जो अभी आपने समझा। तो हर एक श्लोक का अन्वय लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, संदर्भ प्रसंग, प्रसंग के अंदर आ गया, और अनुवाद लिखना होगा, और विशेष वो भी मैं आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। अब हम नेक्स्ट अगले श्लोक पे पहुंचते हैं।
साहित्य संगीत कला विना साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तरणम न खादंती जीवमान तद भाग्यम परम पशुना। यानी कि यहाँ पर भी साहित्य और संगीत और कला के महत्व के बारे में बताए गए हैं कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रही थे वो व्यक्ति पूंछ बिना पूंछ वाले बिना पैर वाले साक्षात पशु के समान है। यानी कि उसके उस जानवर की तरह उसको माना गया है। तरणम ना खादंती जो घास फूस नहीं खाता हुआ, खादन में खाद धातु है और क्षत्रि प्रत्यय इसका अर्थ हुआ हुए के रूप में होता है। जीवमान जीवित है, जीव स्थानस प्रत्यय प्रत्यय जीवित रहता है। तद भाग्यम परम पशुना, तत् भाग्य में तो ये पशुओं का परम सौभाग्य है। यानी कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहते और साक्षात बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु के समान है, वो व्यक्ति घास फूस खाते हुए जीवित रहता है, ये पशुओं का परम सौभाग्य है। ओके, अब नेक्स्ट, लुब्धस्य नश्यति यस पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अपरस्य धर्म विद्या फलम व्यचिन कर्पणस्य शौक्यम राज्य परमद सचिवस्य नरा अधिपतस्य। यानी कि यहाँ पर भी व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताए गए हैं, उसके स्वभाव के बारे में बताए हैं कि जो लोभी है, लब्धस्य यानी लोभी, जो लोभी व्यक्ति होता है उसके यश का विनाश होता है, उसकी प्रसिद्धि का विनाश होता है। पशुन मैत्री और जो व्यक्ति चुगलखोर होता है, चुगली करता है, इधर उधर की करता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, उसका कोई मित्र नहीं रहता है। और जो व्यक्ति क्रियाशील नहीं रहता है, तो निष्क्रिय व्यक्ति है और कोई काम नहीं करता है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, कुल का विनाश हो जाता है। और जो व्यक्ति धन को महत्व देता है, अर्थ नहीं धर्म, परस्य धर्म, जो व्यक्ति धन को महत्व देता है तो उस व्यक्ति के धर्म का विनाश हो जाता है। विद्या फलम व्यचिना, जो व्यक्ति बुरी आदतों वाला होता है, बुरे आचरण वाला होता है, उस व्यक्ति के विद्या रूपी सुफल जो प्राप्त किया जाता है उसका विनाश हो जाता है। यानी कि जो बुरे आचरण वाला होता है, बुरी आदतों वाला व्यक्ति होता है, बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जिस व्यक्ति का आचरण बुरा होता है उसका जो विद्या रूपी फल प्राप्त किया होता है वो भी नष्ट हो जाता है। कर्पण से शौक्यम, कर्पण कंजूस, शौक्यम यानी सुख, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके सुख का विनाश हो जाता है। राज्यम परमद सचिव से नराबुद्धि, यानी कि जिस राजा का मंत्री आलसी है उस राजा के राज्य का अंत हो जाता है। ओके, कोई परेशानी, नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते अपन। पीत्वा रसम तु कंटुकम मधुरम सामान्य माधुर्य एव जयंत मधुमक्षिकाशो संतत तथेव समजना दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर रस सूक्तम सर्जंती। यानी कि यहाँ पर मधुमक्खी के द्वारा जो शहद इकट्ठा किया जाता है उसका और सजन व्यक्ति के द्वारा जो बात कही गई है उसकी तुलना प्रकट की गई है। तो कह रहे हैं पीत्वा, पी धातु है, कत्वा प्रत्यय है, पी करके रस निरस तु नितु कंटुकम, कंटुक यानी कड़वा मधुर समान, यानी कि मीठे के समान पी लेता है। यानी कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पी करके कड़वे रस को मीठे रस के रूप में पी लेती है और मीठे रस को पी करके
शहद उत्पन्न करती है, मधुरता उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो संत जन होते हैं वे दुर्जनों के वचनों को सजनों की तरह सुनते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। यानी कि जो सजनों का स्वभाव होता है वो हमेशा शांत सरल स्वभाव होता है। कोई भी व्यक्ति उनको कितने भी दुरे वचन कहते हैं लेकिन वे दुरे वचनों की तरह ध्यान नहीं देते हैं, वे ये समझते हैं कि हमें इनको अच्छे वचनों के रूप में सुना है। और जब उनके द्वारा कड़वी बात कही जाती है, जब मीठे या सुंदर वचन के रूप में उनके द्वारा ग्रहण की जाती है तो वो बात स्वतः ही मधुर वचनों में बदल जाती है। से अगला श्लोक कह रहे हैं कि विया पुरुष यो ही देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनी तिष्ठति वायसा। वायसा यानी कौआ, यानी कि विया यानी छोड़ करके, वि धातु है वे वी उपसर्ग है, हा धातु है ले परते छोड़ करके, विया यानी छोड़ करके। जो व्यक्ति पुरुष यानी परिश्रम मेहनत को छोड़ करके भाग्य के पर आश्रित हो जाता है कि बस अब भगवान जो देगा वही मिलेगा और कुछ भी कर्म करना छोड़ देता है, आगे मेहनत नहीं करता है, तो वो व्यक्ति उसी तरह माना जाता है जैसे महल के आगे सिंह की मूर्ति बना दी जाए तो उस मूर्ति पर हमेशा कौवा ही आके बैठता है। उस शेर का महत्व तो नहीं रहता है, शेर होता है शेर का अपना महत्व तो होता है, लेकिन वो एक उसकी मूर्ति बना दी, अब वो निर्जीव है, अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, उस पर कोई भी पक्षी आके बैठ सकता है, जैसे यहाँ कोए के लिए दे दिया गया है। तो यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है और अपने भाग्य पर आश्रित रहता है, कोई कार्य में निष्क्रिय हो जाता है, वो व्यक्ति उसी तरह माना जाता है जैसे महल के आगे सिंह की मूर्ति बनी होती है और उस मूर्ति पर कोए आके बैठ जाते हैं। यानी कि उस व्यक्ति का कहीं पर भी कोई महत्व नहीं होता है, वो व्यक्ति महत्वहीन हो जाता है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है उस व्यक्ति के लिए ये बताया गया। नेक्स्ट जो श्लोक है, अगला जो श्लोक है उसमें वृक्ष के महत्व के बारे में बताए हैं कि वृक्षों का क्या महत्व होता है। यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा परोपकार के रूप होते हैं, उनका काम है हमेशा परोपकार करना। तो पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारुबी धन्य महरी महिरुआ ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिन। यानी कि वे वृक्ष धन्य हैं जो पुष्प पत्ते फल छाया जड़ और जो पेड़ों के छाल होते हैं वो और लकड़ी दे करके दूसरे लोगों का परोपकार करते हैं। आगे कह रहे हैं ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिनी, यानी कि मांगने वालों से वो कभी विमुख नहीं होते हैं। पेड़ से कोई व्यक्ति आकर के उनसे मांगता है तो वो उनको निराश करके नहीं लौटाते हैं। पेड़ के पास में छाया है तो छाया देगा, फल है तो फल देगा, जो भी वस्तु होगी वो उनको दे करके भेजते हैं, वापिस खाली हाथ नहीं लौटते हैं। विमुख मतलब होता है निराश नहीं लौटाते हैं और उनका कोई न कोई हित करके छोड़ते हैं। और इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर पेड़ों के परोपकार के महत्व को दर्शाया गया है। अगला और अंतिम श्लोक इस पाठ का, चिंतन्या ही विदाम आदेव ए प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्तम प्रतिदीप्ते वैनाग्रह। यानी कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि व्यक्ति के आगे संकट आना आता है और संकट आने से पहले जो व्यक्ति उसका समाधान निकाल लेता है, जो उपाय ढूंढ लेता है, तो वो तो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। और जो व्यक्ति संकट आने पर उपाय सोचने के बारे में करता है उस व्यक्ति के लिए यही बताया है कि आग लगने पर घर में कुआं खोदना। यानी कि जब आग लगे और फिर इधर से कुआं खोदना शुरू कर दें, अब कुआं खोदेगा तो तब तक तो घर में जल करके नष्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति को हमेशा विपदा या मुसीबत आने से पहले ही
लग जाएगी व्यक्ति को कि मुसीबत आने वाली है, उससे पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। और ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। ये थे हमारे 7 श्लोक सुभाषितम के अंतर्गत। तो पहले में गुणों के महत्व के बारे में बताया गया था, और दूसरा था साहित्य संगीत और कला के बारे में महत्व बताए गए हैं। तीसरा जो श्लोक है उसमें व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताए हैं, गुणों के बारे में बताए गए हैं। और चौथा जो श्लोक था इसमें संत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके स्वभाव के बारे में बताया गया था। और पांचवा जो हमारा श्लोक है उसमें परिश्रम के महत्व के बारे में बताए गए हैं। और जो छठा श्लोक है उसमें वृक्षों के परोपकार के बारे में बताया गया है। और सातवां जो श्लोक है कि व्यक्ति को समस्या आने से, संकट आने से पहले ही उस समस्या और संकट का समाधान निकाल लेना चाहिए। ये थे इन श्लोक के साथ साथ में प्रसंग भी। तो इनके एक श्लोक मैंने आप अनवे प्रश्न लिखा दिया है, अनुवाद और इसकी व्याकरण टिप्पणी मैं नोट्स के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। और जो ये श्लोक दिए गए हैं इन सारे श्लोकों के अनवय और प्रसंग मैं आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करा दूंगा, और अनुवाद है जो आपको स्वयं करना होता है। आप इसे अभ्यास हो जाएगा, जो ऐसे आप सुना है तो उसके माध्यम से आपको लग जाएगा कि इसका ये अनुवाद होगा, इसकी ये व्याख्या होगी। धन्यवाद।